एटलीस्ट ले भी सकते हैं, कहीं नहीं ले भी नहीं सकते, परंतु मैक्सिमम केस में एटलीस्ट लिया जाता है। ठीक है, पहले क्या करते हैं, मोनोमर को सॉल्वेंट में डिजॉल्व करते हैं, एक नॉर्मल होमोजीनियस फेस क्रिएट करेगा, फिर चेन ट्रांसफर एजेंट डालेंगे और इनिशिएटर डालेंगे। इनिशिएटर मेनली क्या करता है, पॉलीमराइजेशन का काम करता है। ठीक है ना, इसमें क्या होता है, जैसे जैसे रिएक्शन होगा विस्कोसिटी बढ़ती जाएगी। ठीक है, लेकिन इसमें सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है, विस्कोसिटी तो बढ़ ही रही है, प्योरिटी अगर बल्क पॉलीमराइजेशन से इसका कंपेरिजन किया जाए तो प्योरिटी है ना कम आती है, वो 100% है तो 80% की अप्रॉक्स आएगी इसमें प्योरिटी। इसलिए आएगी क्योंकि जो भी हमारा सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट को बाद में हमें रिकवर करना पड़ेगा, उस रिकवर के लिए ऑपरेशन के थ्रू उसको रिमूव करेंगे, तो उसके कंपेरिजन में यहाँ पर जो हमारी प्योरिटी है ना कम आएगी। ठीक है ना, ये किस किस के लिए यूज होता है सॉल्यूशन, पॉलीएक्राइलोनिट्राइल, पॉलीआइसोब्यूटिलीन और ब्लॉक कोपॉलीमर से जो भी बनते हैं पॉलीमर, उसका थ्रू ये बनाया जाता है सॉल्यूशन पॉलीमराइजेशन। ठीक है, अब है सस्पेंशन। सस्पेंशन और इमल्सन पॉलीमराइजेशन बहुत माइनर डिफरेंस है दोनों के बीच में। सबसे पहले तो क्या है, दोनों में सिमिलरिटी ये है, नॉर्मली हम एक वाटर लेते हैं, वाटर सॉल्यूशन लेते हैं, ठीक है ना, मोनोमर उसके बाद उसमें डालेंगे, तो वाटर और मोनोमर है ना इनसॉल्युबल होते हैं। ठीक है ना, उसके बाद सस्पेंडिंग एजेंट डाला जाता है, जबकि इमल्सन में इमल्सिफाइंग एजेंट डाला जाता है। ठीक है, उसके बाद सस्पेंडिंग एजेंट डालेंगे। ठीक है, सस्पेंडिंग एजेंट का मेनली काम करता है अपना स्टेबलाइजेशन का काम करता है। ठीक है ना, और यहाँ पे जो वाटर है एज ए सॉल्वेंट हम लोग यूज़ कर रहे हैं, ये हीट ट्रांसफर मीडियम का काम करता है। ठीक है, और लास्टली जो भी है फिल्ट्रेशन के थ्रू है ना हमारा फाइनल प्रोडक्ट मिल जाता है, सॉल्वेंट को रिमूव कर देता है ऐसे वाटर को, और जो हमें पॉलीमर्स मिलता है वो बीड्स के फॉर्म में मिलता है, और इसके थ्रू बना सकते हैं पॉलीस्टाइरीन, पॉलीविनाइल अल्कोहल, पीवीसी, पीएमएम। इमल्सन में भी सेम सारे प्रोसेस है, बस डिफरेंट ये है यहाँ पे जो भी हम लोग लीज रहे हैं वाटर मोनोमर सर्फेक्टेंट इनिशिएटर, यहाँ सर्फेक्टेंट हम लोग लेते हैं, वहाँ पे सस्पेंडिंग एजेंट लेते हैं। सर्फेक्टेंट का मेनली वर्क क्या है, जो भी ये मान लो हमारा रिएक्टर है, पहले हम लोगों ने इसमें वाटर डाला। ठीक है, वाटर डालने के बाद मोनोमर डाला। ठीक है, ये दोनों इमिसिबल होते हैं। ठीक है, इसके बाद सर्फेक्टेंट डालेंगे। सर्फेक्टेंट में मेनली क्या नेचर होता है, इसका वन साइड बिहेव होमोफिलिक करता है, दूसरा साइड हाइपरफोबिक।